चैप्टर टू हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, हमने देखा इंट्रोडक्शन देखा हमने बायोकेमिस्ट्री का कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है, और फिर उसके बाद हमने डिफरेंट केमिकल्स को देखा, डिफरेंट सब्सटेंसेस को देखा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हमने कार्बन को स्टडी किया और उसकी इम्पोर्टेंस देखी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कार्बन की क्या इम्पोर्टेंस है और कार्बन वो कौन कौन से कंपाउंड है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वॉटर। जब हमने डिफरेंट केमिकल्स की बात की थी या डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस की बात की थी, कंपाउंड्स की बात की थी, तो हमने देखा था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो वॉटर की है, और वॉटर की परसेंटेज हमने मैमल्स के अंदर देखी थी कि वो 70% है। 70% होने का मतलब यह है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनका जो वेट है या उनके सेल्स हैं उनके अंदर ओवरऑल 70% जो है वो वाटर है। वाटर की मजीद और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम वन बाय वन करके स्टडी करते जाएंगे। वाटर के बारे में कहा यह जाता है कि वाटर है वो मीडियम ऑफ लाइफ है, मीडियम ऑफ लाइफ यानी जहां जहां पे लाइफ होगी उसके लिए वाटर का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, और इसकी जो परसेंटेज है वो वेरी करती है। हम कहते हैं कि वाटर जो है वो तकरीबन 65% से लेके 89% तक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की पर्टिकुलरली बात करें, ह्यूमन टिश्यूज की, तो जो हमारे बोन सेल्स हैं या बोन्स के टिश्यूज उनके अंदर 20% जो है वो वाटर होता है। इसी तरह अगर हम लोग अपने ब्रेन टिश्यूज की बात करें तो उनके अंदर 85% जो है वो वाटर है। अब इस बात का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमारा दिमाग जो है वो पानी से भरा हुआ है, बल्कि इन रियलिटी वाटर का प्रेजेंट होना हमारे सेल के लिए बहुत जरूरी है, और इसको हम अभी मजीद आगे देख लेते हैं कि वाटर की क्या इतनी इंपॉर्टेंस है जिसके लिए हम कहते हैं कि वाटर का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। वाटर के बारे में कहा ही जाता है कि वाटर जो है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस का हिस्सा होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं या तो ये उनका हिस्सा होता है या फिर डिफरेंट जो रिएक्शंस होते हैं वो वाटर की प्रेजेंस में होते हैं, पानी ना हो तो वो रिएक्शन ही कैरी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स में अगर हम देखना चाहें तो फोटोसिंथेसिस की अगर हम एग्जांपल ले लें तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो प्लांट्स को फूड नहीं मिलेगी, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, और फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर जो है वो एक लाजमी जुज है, वो उसका रॉ मटेरियल है। वाटर ही कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस हुआ है और प्लांट ने अपनी फूड प्रिपेयर की है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिनके अंदर पानी की जरूरत होती है और पानी का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर हम वाटर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम वाटर की सोलुबिलिटी प्रॉपर्टी को देखते हैं। वाटर को कहा जाता है कि वाटर जो है वो एक पोलर सब्सटेंस है, पोलर सॉल्वेंट हम अगर इसको कह दें तो ज्यादा बेहतर होगा। वाटर जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर होने का क्या मतलब है? पोलर होने का ये मतलब है कि अगर हम वाटर के स्ट्रक्चर को देखें, H2O यानी के दो हमारे पास हाइड्रोजन हैं और वो एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुए हैं। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को और से देखें तो इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन का पोर्शन है ये इकट्ठा, और अगर हम ऑक्सीजन को देंगे तो इकट्ठा, तो तकरीबन इसके ऊपर रिलेटिवली थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस हिस्से के ऊपर रिलेटिवली थोड़ा सा पार्शियल कह सकते हैं हम इसको पॉजिटिव चार्ज होगा। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वाटर के अंदर हमारे पास थोड़ा सा नेगेटिव और थोड़ा सा पॉजिटिव पोल आ जाता है, इनको हम पोलर कह देते हैं। इस तरह के जितने भी सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव साइड थोड़े से डिफरेंट से अलग अलग पाई जाती हैं, हम उन्हें कहते हैं वो पोलर सब्सटेंसेस हैं, और वाटर भी इसकी एक एग्जांपल है।
तो जितने भी पोलर सब्सटेंसेस हैं वो बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं मजीद जो बाकी पोलर सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर। और यही वजह है कि वाटर बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, इसके अंदर सोलबल होते हैं। जब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो पोलर्स हो गए, पोलर कंपाउंड्स, पोलर सॉल्वेंट। जब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, तो हम ये कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर के अंदर सोलबल है और वो बहुत इजीली सोलबल है। वो इसलिए क्योंकि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनसे हमारे पास आयंस बन जाते हैं, और ये वाले जो आयंस बनते हैं ये वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसोसिएट यानी कि वाटर के अंदर इधर उधर फैल जाते हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये जो आयनिक कंपाउंड है ये डिसॉल्व हो गया। जैसे कि अगर हम NaCl की एग्जांपल ले लें, NaCl, तो जब हम इसको पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है कि NaCl के हमारे पास आयंस बन जाते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। अगर हम एक सॉल्यूशन की बात करते हैं, जब हम सॉल्यूशन को देखते हैं वाटर के अंदर किसी चीज का सॉल्यूशन बना हुआ है, वो कोई भी चीज हो सकती है, तो होता यह है बेसिकली कि सॉल्यूशन फॉर्म में जितने भी आयंस होते हैं वो डिस्पर्स हुए हुए होते हैं, वो फैले हुए हुए होते हैं वाटर के अंदर। वो इस तरह से फैले होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये एक स्ट्रक्चर लें, ये पानी का, वाटर का स्ट्रक्चर, सबके अंदर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन कुछ इस तरह का होगा कि इसके अंदर डिफरेंट तरह की चीजें, जैसे हम कहेंगे पॉजिटिव आयंस, या फिर इसके साथ साथ हमारे पास कुछ नेगेटिव आयंस, तो ये डिसोसिएट हुए हुए होंगे। तो ये एक वाटर का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके अंदर हम ये इसको कह सकते हैं कि ये NaCl भी हो सकता है, ये कोई और कंपाउंड हो सकता है, किसी भी तरह का आयनिक कंपाउंड हो सकता है, किसी भी चीज का सोल्यूशन हो सकता है। तो इस तरह से आयन जो है वो फ्रीली डिसोसिएट हुए होते हैं, और हम ये कहते हैं कि ये एक हमारे पास सोल्यूशन बन गया हुआ है, और इस सोल्यूशन के अंदर ये आयंस कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इनकी जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं कि ये रैंडम मूवमेंट है, रैंडम मूवमेंट आयंस की, क्योंकि आयंस कहीं पे भी आराम से इजीली मूव कर सकते हैं। यही वजह है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, हम कहते हैं कि उनके लिए एक्वस मीडियम का होना बहुत जरूरी है, एक्वस मीडिया, यानी कि जो रिएक्शंस हैं वो पानी की प्रेजेंस में होंगे। इसके अलावा डिफरेंट तरह के एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर जो पाए जाते हैं, वो एंजाइम्स कैटलाइज करते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को, और ये भी इनके लिए भी जरूरी होता है कि ये एक्वस मीडियम में काम करें, यानी कि इनके लिए भी वाटर की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। ये तो हमने देख लिया कि डिफरेंट तरह के हमारे पास पोलर सॉल्वेंट, पोलर कंपाउंड्स आ जाए तो वो हम कहते हैं कि वाटर क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है तो वो उसके अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। फिर अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स आ जाए तो क्या होता है, सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाए तो क्या होता है, जब हमारे पास नॉन आयनिक हो तो हमने कह दिया कि वो सॉल्यूशन के फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट होता है। एंजाइम जो है वो हमने कहा कि वो एक्वस मीडियम में क्योंकि काम करते हैं तो उनके लिए पानी का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है एक सेल की बात जब हम करें। लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जो वाटर के अंदर सोलबल नहीं है, जिनको हम कहते हैं नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि पानी के अंदर बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी वो कौन से केमिकल्स हैं, वो ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, तो इसका जवाब यह होगा कि फैट्स ऐसी चीजें हैं, जैसे हम ऑयल्स ले लेते हैं, या अगर हम घी को देखें
तो ये वो चीजें हैं जो पानी के अंदर वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती, दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, और इनका पानी के अंदर डिजोल्व ना होना हमारे लिए फायदामंद है। वो फायदामंद इस तरह से है कि हमारे जो जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर हम कहते हैं कि प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं, लिपिड जो है वो हमारे पास बेसिकली फैट सेल्स हैं, तो लिपिड्स और प्रोटीन की मदद से हमारे पास मेम्ब्रेन्स बनी, हमारी मेम्ब्रेन्स बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं, वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है। जो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि जब हमारे पास एक सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, डिफरेंट केमिकल्स होंगे जो कि वाटर सोल्युबल होंगे, वो सेल से बाहर नहीं जा सकते। बिकॉज अगर हम देखें, ये अगर हम सेल का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं और ये वाली जो लेयर है वो वाटर सोल्युबल नहीं है, तो क्या होगा कि सेल के अंदर डिफरेंट तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेल से बाहर नहीं जा सकेंगे, बिकॉज ये तो इसके साथ इसके अंदर सोल्युबल ही नहीं होगा। तो ये हमें एक बहुत बड़ा फायदा है नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का वाटर के अंदर इनसोल्युबल होने का। इसके बाद अगर हम वाटर की सेकेंड प्रॉपर्टी पे आ जाए तो वो है वाटर की हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसी भी सब्सटेंस की क्या होती है? हीट कैपेसिटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये किसी भी सब्सटेंस की हीट एब्जॉर्बिंग पावर है। यानी के अगर हम कह दें कि हमारे पास, लेट सपोज मेरे पास ये कोई कंटेनर है जिसके अंदर मेरे पास पानी पड़ा हुआ है, तकरीबन 1 ग्राम ऑफ वाटर है मेरे पास, 1 ग्राम वाटर, और मैं इसको हीट करती हूं, तो वो कितनी हीट होगी जिससे इसका टेम्परेचर, लेट सपोज अगर अभी हम कहते हैं कि अभी इसका जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं इसको कितना हीट करूं कि जो इसका टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाए, इसको मैं कितनी हीट दूं कि इसका जो टेम्परेचर है वो 15 से ज्यादा होके वो 16 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो वो जो हीट होगी जो मैंने यहां से इसको दी होगी, वो हीट हम उसे कहते हैं कि वो हीट कैपेसिटी है। वाटर की जब हम बात करते हैं तो अगर 1 ग्राम वाटर हो हमारे पास और हमने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करना है, यानी कि अगर 15 डिग्री है और 16 डिग्री करना है, तो उसके लिए हमें 1 कैलोरी ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। यानी 1 कैलोरी एनर्जी से हम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री तक इंक्रीज कर सकते हैं, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर। अब इस बात से हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है, या इस बात का हमें क्या लेना देना कि पानी कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है या कितनी हीट रिलीज कर रहा है? इसका जनाब हमें ये फायदा है कि जब भी हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट के अंदर हम कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो कभी बहुत ज्यादा हो जाता है या कभी बहुत कम हो जाता है, लेकिन वाटर के अंदर ये वाटर की एक प्रॉपर्टी है कि वाटर ना तो बहुत जल्दी अपना टेम्परेचर ज्यादा करता है ना ही बहुत ज्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। अब इसका हमें ये फायदा है कि वाटर को हम कहते हैं कि वाटर जो है वो टेम्परेचर स्टेबिलाइजर है। टेम्परेचर स्टेबिलाइजर के होने का मतलब ये है कि वाटर जो है वो टेम्परेचर को हमारे बॉडी के अंदर मेंटेन करता है। मेंटेन वो इस तरह से करता है कि जब भी एनवायरमेंट के अंदर कोई सडन चेंज आ जाता है, यानी कि जब बहुत ज्यादा सर्दी आ जाए या बहुत ज्यादा गर्मी आ जाए, तो हमारे बॉडी के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंट है तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता। और यही वजह है कि हमें वाटर का इतना फायदा है। अदरवाइज तो ये हो जाए कि जब सर्दियों का मौसम हो तो हम फ्रीज हो जाएं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर वाटर के अंदर ये प्रॉपर्टी ना होती तो शदीद गर्मियों के मौसम में हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है और हम बीमार पड़ सकते हैं, इनफैक्ट इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, हीट कैपेसिटी। उसके बाद वाटर की नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे और वो है हीट ऑफ
वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन बेसिकली है क्या? हीट ऑफ वेपराइजेशन को हम इस तरह से देखते हैं कि वो हीट जिससे हम 1 ग्राम वाटर को या 1 ग्राम सब्सटेंस को लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज कर दें, तो वो जो एनर्जी हमें रिक्वायर होगी ये सब करने के लिए, उसे हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि इन अदर टर्म्स, अगर हम एग्जांपल लें, अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास वाटर पड़ा हुआ है तकरीबन हमारे पास, तो वो ही जिससे हम इस 1 किलोग्राम वाटर को लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज कर दें, तो उतनी एनर्जी को हम कहेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वाटर के केस में ये हीट ऑफ वेपराइजेशन हम कहते हैं कि ये 574 किलो कैलोरीज है। यानी 1 किलोग्राम टेम्परेचर, किलोग्राम वाटर को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें 574 किलो कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर होगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सादे अल्फाज में हम कहते हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि जब भी पानी लिक्विड से गैसीय स्टेट में जाता है तो वो बहुत सारी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसका फायदा यह होता है कि पीछे जितना पानी बच जाता है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने जैसे पिछली एग्जाम्पल देखी, इसी को हम अगर मजीद देखें कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम वाटर है और इस 1 किलोग्राम वाटर से हम ये चाह रहे हैं कि 2 मिलीलीटर जो है, 1 किलोग्राम नहीं सॉरी, वाटर को हम 1 लीटर में देखेंगे, तो 1 लीटर वाटर में से अगर हम कहें 1 लीटर इक्वल्स 1000 मिलीलीटर, तो ये जो 1 लीटर था, अगर हम कहें कि इसमें से पानी जो है वो वेपराइज हो चुका है और पीछे हमारे पास सिर्फ, यानी कि अगर यहाँ पे हमारे पास 998 मिलीलीटर्स बच जाते हैं, तो 2 मिलीलीटर हम, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से वेपराइज हो गए, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, वेपोरेट हो गए। पीछे जितना पानी बचा, इसके टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? इसके टेम्परेचर पे ये फर्क पड़ेगा कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि अगर इसका टेम्परेचर पहले 25 डिग्री सेल्सियस था तो अब वो सिर्फ 24 डिग्री सेल्सियस बच जाएगा। यही वजह है कि हम कहते हैं कि वेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। वेपोरेशन से हमारे पास कूलिंग इफेक्ट आता है, चीजें जो है वो ठंडी हो जाती है। जैसे आपने भी अक्सर एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हमें पसीना आता है, परस्पिरेशन होती है, पसीना आता है, तो क्या होता है कि हमें ठंड लगने लगती है। पसीना आने के बाद हमारी बॉडी जो है वो थोड़ी ठंडी हो जाती है। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी बिल्कुल यही प्रिंसिपल यूज होता है। जब भी प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन होती है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था, उसके अंदर पानी के अंदर का जितना भी वाटर है वो लीव्स के थ्रू एवेपोरेट होने लगता है, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के रिजल्ट में भी प्लांट का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, पौधे जो है वो ठंडे हो जाते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी थी वाटर की, हीट ऑफ वेपराइजेशन, और इसका ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी और प्लांट्स को भी बहुत फायदा है। इसके बाद हम वाटर की अगर एक और प्रॉपर्टी हम कहते हैं वाटर की आयनाइजेशन। आयनाइजेशन ऑफ वाटर को अगर हम देखें, आयनाइजेशन ऑफ वाटर, तो वाटर जो है वो आयंस के फॉर्म में इस तरह से आता है कि हमारे पास वो H2O है, ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये है कि जब ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है तो ये मजीद दोबारा कंबाइन करके वाटर भी बना सकता है। यानी कि एक टू वे रिएक्शन है, वाटर से हमारे पास आयंस बने और आयंस कन्वर्ट होके, कंबाइन होके हमारे पास मजीद अगेन वाटर बना सकते हैं। ये जो रिएक्शन है इसके अंदर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है,
यानी के जितने वाटर मॉलिक्यूल से हमारे पास आयंस बनते हैं उसी तरह से आयंस से हमारे पास वापस वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनते रहते हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक हम कहते हैं कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर हो तो उसके अंदर 1 लीटर हमारे पास वाटर हो और 25 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर हो तो इतने 1 लीटर वाटर के अंदर हमारे पास 10^-7 मोल्स जो हैं वो एच पॉजिटिव आयंस के और इतने ही 10^-7 मोल्स ही हमारे पास OH नेगेटिव आयंस के होंगे। तो ये हमने देख ली कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की वाटर के अंदर। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट सेल्स के अंदर वाटर जो है वो आयंस के फॉर्म में पाया जाता है और यही वजह है कि डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी जो हम वाटर की देखते हैं वो है इसकी प्रोटेक्शन। वाटर जो है वो हमें डिफरेंट तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन इस तरह से प्रोवाइड करता है कि वाटर को हम कहते हैं कि यह एक लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट का ये काम होता है कि वो फ्रिक्शन को कम करती है, ये अगेंस्ट फ्रिक्शन काम करता है, यानी कि जब भी हमारे पास कहीं पे कोई रगड़ आ रही होती है तो उसके डैमेज को कम करने के लिए हम वाटर को भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे जो टीयर्स हैं वो हमारी आईज की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं और आईज की प्रोटेक्शन किस तरह से करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी आंखों को रगड़ते हैं इफ वी रब आवर आईज तो उसके रिजल्ट में होता क्या है कि पानी आ जाता है हमारी आंखों में और वो हेल्प करता है वाटर को एक कुशन प्रोवाइड कर, हमारी आईज को एक कुशन प्रोवाइड करता है और हमें प्रोटेक्शन देता है। इसी तरह हमारे बॉडी के मजीद डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स हैं जिनके साथ वाटर प्रेजेंट होता है और वाटर उनको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिफरेंट डैमेजेस या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट ट्रोमा। तो ये तो हमारा प्रोटेक्शन का पार्ट आ जाता है। आज के लेक्चर को हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के अंदर वाटर की परसेंटेज देखी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने मैमेलियन सेल की बात की थी तो एक एवरेज मैमल के सेल के अंदर तकरीबन 70% जो है वो वाटर होता है। बोन सेल के अंदर हमने ह्यूमन बींग्स में जब कहा था कि ह्यूमन बींग्स में कहा था तो हमने कहा था कि बोन सेल के अंदर तकरीबन 20% जो है वो वाटर होता है। इसी तरह ब्रेन सेल के अंदर 85% वाटर होता है। मजीद हमने देखा कि वाटर जो है वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस का पार्ट होता है। जैसे हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस में वाटर जो है वो एक रॉ मटेरियल की हैसियत से काम करता है। इसी तरह उसके बाद हमने मजीद वाटर की प्रॉपर्टी में देखा, वाटर की एक सोलबिलिटी प्रॉपर्टी है जिसमें होता यह है कि वाटर जो है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिफरेंट तरह के पोलर नॉन पोलर आयनिक सब्सटेंसेस उन सबको अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। इसी तरह मजीद वाटर की हमने सेकेंड एक प्रॉपर्टी देखी जो कि इसकी हीट कैपेसिटी थी, यानी कि वाटर हीट एब्जॉर्ब तो कर लेता है लेकिन वाटर के अपने टेम्परेचर पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और ये हमने इस एग्जांपल से देखा था। उसके बाद हमने देखा हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर की एक और प्रॉपर्टी जिसमें हमने देखा कि वाटर जब भी कुछ हीट एब्जॉर्ब करके वेपराइज करता है यानी कि लिक्विड से गैसीय स्टेट में आता है तो मजीद जो पिछला वाटर होता है उसके टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद हमने आयनाइजेशन ऑफ वाटर को देखा, आयनाइजेशन में हमने देखा वाटर किस तरह से आयनाइज करता है। फिर हमने वाटर की एक कोर प्रॉपर्टी जो प्रोटेक्शन है हमने उसको देखा कि वाटर किस तरह से प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट फ्रिक्शन।